देश में कई दिनों के बाद कोरोना वायरस के नए मामले 40,000 से कम दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,154 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले दिन 39,649 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.22% हो गया है। जानिए ताजा आंकड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले दिन कोरोना से 724 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब तक कोरोना से 408,764 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 14,32,343 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इसके बाद कल तक कुल 43,23,17,813 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति। कुल कोरोना केस 3,08,74,376, कुल डिस्चार्ज 3,14,713, कुल एक्टिव केस 4,50,899, कुल मौतें 4,08,764, कुल टीकाकरण 37,73,52,501 से ज्यादा। वहीं नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले सोमवार को 10 नए मामले, मंगलवार को 15 नए मामले सामने आए थे, बुधवार को 12 नए मामले, गुरुवार को 5 नए मामले, शुक्रवार को 10 नए मामले, शनिवार को 8 नए मामले, रविवार को 5 नए मामले और सोमवार को 12 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 78,028 से 78,040 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।